बाबा महाकाल के आंगन में रक्षाबंधन की धूम। पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी वैदिक राखी। बाबा को लगाया गया 125,000 लड्डू का भोग। बाबा महाकाल से की गई रक्षा की कामना। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज की तरह आज सुबह भी बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। लेकिन आज का दिन और दिनों से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। इसलिए भस्म आरती के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने मंगल गीत गाकर बाबा महाकाल को वैदिक राखी बांधी। भगवान महाकाल के लिए 7 दिन से वैदिक राखी बनाई जा रही थी, जिसमें तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च के साथ ही अन्य औषधियां मिलाई गई थी। इस दौरान बाबा महाकाल को 125,000 लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया। हाँ, महाकाल बाबा को आज सर्वप्रथम राखी बांधी है। हमने श्रद्धा और विश्वास रूप की राखी बांधी है। भगवान को ये प्रार्थना करिए कि सभी माता और बहनों की रक्षा करें। आज रक्षाबंधन का पर्व है और आज हमें महाकाल की भस्म आरती का अवसर मिल गया, सौभाग्य मिल गया। हम बहुत बहुत खुश हैं। आज श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है। ऐसे में हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए और उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, बाबा से आशीर्वाद लिया और ये भी जाना कि भगवान महाकाल को किस प्रकार से राखी बांधी जाती है।